हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, ऐसे ही निकल रहा हूँ। जहाँ जाऊँगा वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। अभी तो मैं दालगेट में हूँ। तो चलिए चलते हैं और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अब मैं निकल गया हूँ बाहर और यहाँ से अब चलते हैं आगे। इधर से ये रास्ता पता नहीं कहाँ गया है। कभी इधर भी मैं जाऊँगा तो इधर का व्यू आपको दिखाऊंगा। ये है डल लेक। अभी टाइम हो रहा है 6:30 PM। जैसे जैसे इवनिंग होता जाएगा यहाँ के व्यू में चेंजेस होते जाएंगे, तो आप वीडियो स्किप किए बिना बने रहिए लास्ट तक। नहीं जाना। इधर से वो हाउस बोट है, लकड़ी का घर। एक बार यहाँ से ये व्यू देख लीजिए कैसा है। डल लेक में हाउस बोट का प्रतिबिंब देखिए कितना मस्त लग रहा है। वहां से वो जो सिकारा दिखाई दे रहा है छोटा सा, पैदल चलते हुए मैं आया यहाँ तक। अब मुझे यहाँ से वो जो चिनार दिखाई दे रहा है, उस चिनार के नीचे जाना है। वहाँ पे है डल लॉक गेट। तो चलिए चलते हैं। ये पानी में ये एक छोटा सा चट्टान है और इसपे कबूतर इंजॉय कर रहे हैं। ये एक चिनार का विशाल पेड़ है और देखिए पानी में कैसा दिख रहा है। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, ये हट तो खड़ा हुआ है ये पानी में ही, और ये देवदार का है। देवदार का लकड़ ऐसा लकड़ है जो पानी हो या मिट्टी हो कहीं भी न सड़ता है, न गलता है, न खराब होता है। ये है सिकारा और टूरिस्ट लोग इसी सिकारे पे बैठते हैं और डल झील में घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। इसपे एक अलग ही आभास होता है। पानी में ये तैरता है तो मजा आता ही है। और टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ से देखो गाइस व्यू कितना प्यारा और कितना अमेजिंग व्यू है। यहाँ पे है ये डल लॉक गेट। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं और क्या क्या है। डल लेक का जो मेन पॉइंट है, जहाँ से डल लेक शुरू होता है, वहाँ पे पहुँचे हैं। ये हो गया डल लेक का गेट। और ये सब जो चिनार के जो पेड़ है, ये सब देखिए पानी में कितने अच्छे और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अमेजिंग है। I got time, it's clear to see from up here, the world seems small. We can see. यहाँ से देखिए इसका व्यू कितना अच्छा, कितना प्यारा दिख रहा है। अब मैं जाऊंगा उधर भी और वहां से इधर का व्यू मैं दिखाऊंगा। तो मछली पकड़ रहे हैं। मछली है इसमें? हाँ मछली। अच्छा, एक पकड़िए तो जरा उसका वीडियो करें हम। यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं और इसके नीचे ये नाव है, डूब गया है। हाँ हाँ नाव है। देखिए यहाँ पे नाव है, ये इसके नीचे। ये ब्रिज यहाँ से वहाँ तक पूरे लकड़ी पे ही है देखो। और ये जो लकड़ होता है ये देवदार का लकड़ होता है, ये पानी में बिल्कुल भी नहीं सड़ता है। देवदार का होता है ना? देवदार का, देवदार पानी में नहीं सड़ता है। ये देखो सिकारा यहाँ भी लगा हुआ है। सिकारा तो इस डल झील का फेमस है। अगर सिकारा पे घूमना होगा तो कश्मीर में डल झील से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। यह फायर इमरजेंसी सर्विस, वहाँ पे है गेट, वो जिसे अपने यहाँ अपने भाषा में चमड़ा बोलते हैं वही है। और यहाँ से देखिए ये पाइप टूटा था, यहाँ से ये ध्वस्त हो गया था, तो कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर हो रहा है। ये आ गए यहाँ ऊंचाई पे।
इस पुल पे, और यहाँ से देखिए इस पेड़ का भी। लोग बोलते हैं कि चिनार का फल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो फल लगे हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फल कैसा होता है। यहाँ से है डल का गेट और यहाँ से है डल झील। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डल लॉक गेट। अब नीचे उतरते हैं और उधर का थोड़ा सा व्यू लेते हैं और देखते हैं उधर क्या है कैसा है। यार कश्मीर में है ना, कश्मीर में तो अमेजिंग जगहों का कमी नहीं है। जहाँ भी जाओगे वहाँ पे कोई ना कोई एक रोमांचक चीज़ मिल ही जाएगा देखने के लिए, घूमने के लिए। ऐसा है कश्मीर। ये देखो ये पुल के ऊपर से जिसमें इंजीनियर लोग रहते हैं, ये उसी मकान का छत है टीने का। देखो ये टीना इसलिए लगाते हैं कि जब बर्फ़ जमता है तो बर्फ़ अगर छत के ऊपर जमेगा तो छत को दबा सकता है, इतना ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे होता है। और ये तिरछे में इसलिए देते हैं कि जब बर्फ़ इस पर गिरता है तो वो फिसल के नीचे आ जाता है। अब चलिए चलते हैं। यहाँ भी बैठ के मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। ये क्या, ये पानी का लेवल देखने वाला है ना कौन सा? हाँ ये अभी इसमें 10 एफ दिखा रहा है, 10 एफ से नीचे है 3 मीटर, यानी कि नीचे अभी दिखा रहा है 3 मीटर, तो 3 मीटर अभी पानी है इसमें। हाँ। और जैसे जैसे अगर बारिश होगा ज़्यादा या कुछ होगा तो ये पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, और जब पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाके ये डल लॉक गेट जो है इसको खोलते हैं, इसका पानी जो है उधर झलम नदी में चला जाता है और झलम नदी से होकर उधर पाकिस्तान में जाया दिखता है। और ये जो पुल जो बना हुआ है, ये समझिए कि पुल नहीं रास्ता ही है, यहाँ से लेके वहाँ तक कंटिन्यू ये लकड़ी पे ही है। तो अब चलते हैं उधर और उधर का भी थोड़ा सा व्यू लेते हैं। यहाँ पे चिनार का फल अच्छा है, देखिए ये चिनार के पत्ते और ये है इसका फल। यहाँ भी सीढ़ी बना हुआ है उधर जाने के लिए, मगर मैं सोच रहा हूँ उधर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंजरस दिख रहा है और यहाँ पे पानी का लेवल भी दिखा रहा है 10 फीट, यानी कि ये 10 फीट गहरा है और मैं हूँ 5 फुट 6 इंच, तो मैं इसमें डूब ही जाऊँगा अगर गिरूँगा तो। उससे अच्छा है कि मैं जाऊँगा ही नहीं, क्या करें, जाएँ गाइस जाएँ। चलो देखते हैं थोड़ा। गाइज यार मैं आ गया यहाँ पे, बहुत ही डेंजरस दिख रहा है, देखो ये पुल, और इसके नीचे कोई स्तंभ भी नहीं है, पानी है नीचे सिर्फ पानी ही पानी, और मैं इसमें आ गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। अब यहाँ से देख लीजिए थोड़ा डल गेट का भी, मैं तो जाता आज पानी में बच गया। हाँ सर, यहाँ से निकलेंगे ऊपर। अब यहाँ से कैसे जाए, यहाँ से एक पाँव रखेंगे यहाँ पे और एक पाँव यहाँ पे। निकल गया, वो है वो लकड़ी वाला रास्ता। चलिए मैं उसका भी आपको भी दिखा देता हूँ। इधर भी होटलें हैं बहुत, यहाँ से देखिए ये गुलाब के फूल, 5 स्टार नहीं है मगर है। हेलो बोलो,
हेलो बोलो। हाँ वेरी गुड। ये है देवदार का लकड़ और इसी के ऊपर ये रास्ता बना हुआ है। छोटू ये क्या है यहाँ पे, ये क्यों ऐसे लगाया हुआ है? ये बिस्को था पहले। क्या था? बिस्को। बिस्को स्कूल बिस्को स्कूल होता है ना, इसमें फिर बोट लेस होती थी। बोट लेस। अच्छा बोट लेस इसी में होता था। हाँ इसी में होता। अच्छा तो अभी ये बंद है? हाँ अब वो बंद हो गया। बंद हो गया हमेशा के लिए? हाँ अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ हो? परान से जा वीडियो बना। ये चाचा है हमारे। ये देखो ये जो लड़का है ना, ये आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैंने चिकन लिया था, वो चिकन मैंने इसी के दुकान से खरीदा था और ये चिकन बनाते बनाते कश्मीर में आकर लकड़ियाँ काम कर रहा है। देखो ये खैर कोई बात नहीं, अच्छा है, अगर सीख लेता है तो बढ़िया है। चिकन में प्रॉफिट उतना नहीं है, लेकिन अगर लकड़ी का काम सीख लेगा और कारीगर हो जाएगा तो अच्छा पैसा कमाने लगेगा। पिक्चर अभी बाकी है गाइज, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 50-50 कर दिया, दो भागों में कर दिया। और इसका बाकी भाग जो है वो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, इसके बाद वाले वीडियो में। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।